पटेल सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सिस्टम ऐप एक्सेसिबिलिटी रिव्यू के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। गाइस, यहां पर मैं आज आपको दिखाऊंगा एमआई के मोबाइल में जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होके आता है कैलकुलेटर। तो यहां पर मैं अपना टॉकबैक ऑन करता हूं और चेक करते हैं एमआई के कैलकुलेटर की कैसी है एक्सेसिबिलिटी, कितने हैं अनलेबल बटन, क्या इसे ब्लाइंड यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर सिंपल से मैं अपने टूल्स में जाता हूँ। तो हमारे पास अभी टूल्स ओपन हो गया, उसके बाद जाते हैं कैलकुलेटर में। गाइस, यह सीरीज़ बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि किस मोबाइल में कितने जो ऐप होते हैं वो एक्सेसिबल हैं या नहीं। क्योंकि गाइस, किसी भी मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी उसके सिस्टम ऐप पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि मोबाइल एक्सेसिबल या अनएक्सेसिबल नहीं होता है, उसके जो सिस्टम ऐप होते हैं उसके अंदर जो ऐप इंस्टॉल होके आते हैं वही बताते हैं मोबाइल एक्सेसिबल है या नहीं। तो सिस्टम ऐप की एक्सेसिबिलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर मैंने ओपन किया, और कभी ना कभी आपको अपने लाइफ में कैलकुलेटर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती होगी। तो आपको एक एक्सेसिबल कैलकुलेटर चाहिए होगा, तो आप प्ले स्टोर पे जाके पता नहीं कैसे कैसे कैलकुलेटर खोजेंगे, किसी में ऐड आएगा तो कोई पेड होगा। तो इन सब चीज़ों का झंझट नहीं रखना है, जब आपके मोबाइल में है कैलकुलेटर तो उसी को यूज़ कीजिए और देखिए कैसी है आपके एमआई फ़ोन कैलकुलेटर की एक्सेसिबिलिटी। तो जैसे ही हम अपने एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको कई सारे टैब मिल जाते हैं। जैसे कि आप लोग ऑटो TTS यूज़ करते हैं, वहाँ पर ऊपर एक मोड्स टैब मिलता होगा, एक लैंग्वेज टैब, एक वॉइसेस टैब, एक लाइसेंसेस टैब। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें टैब दिखाई दे रहे हैं। एक है मिनिमाइज कैलकुलेटर, एक कॉल का टैब है, एक लाइफ का टैब है, एक फाइनेंस का टैब है, और एक सेटिंग है। यानी कि इतने टैब हमें ऊपर टैब कॉल, यानी कि एक कैलेंडर के लिए आई थिंक ऐसा कुछ होगा, इसके अंदर देख ही लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे इतने सारे हमारे पास टैब मिल जाते हैं, जो अभी की कोई अनलेबल बटन तो इसके अंदर दिखाई नहीं दिया। सेटिंग बटन आता है, तो अभी हम सेटिंग बटन पे नहीं जा रहे हैं। उसके बाद जो ये जीरो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर क्लिक करते हैं। तो अभी ये जो जीरो दिखाई दे रहा है जहाँ पे हमारा कर्सर है, ये एक प्रकार का एडिट बॉक्स है, और ये यहाँ पर जीरो शो होगा। उसके बाद हमें क्लियर का बटन मिलेगा। सेवन यानी कि एक हमारा न्यूमेरिकल कीपैड है। यहाँ पे अगर हम क्लियर बटन, डिलीट बटन, परसेंट बटन, डिवाइड बटन, मल्टीप्लाई बटन, माइनस बटन, प्लस बटन, इक्वल बटन, पॉइंट, जीरो, टू, स्विच, वन, टू, थ्री, उसके बाद फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। तो इनमें से कोई भी अभी बटन अनलेबल नहीं है। स्विच बटन, अब किस चीज़ का स्विच बटन है, बट यहाँ पे स्विच बटन लिखा हुआ है और ये दिखाई भी दे रहा है स्विच बटन, हमारा टॉकबैक रीड भी कर रहा है स्विच बटन, तो इस पर डबल टैप कर दें। तो यहाँ पे स्विच हो गया, अब क्या स्विच हुआ है देख ही लेते हैं। logarithm button, natural logarithm, left parenthesis button, right part divide button, multiply button, तो यहाँ पे sine but angle logarithm power button, power logarithm button, logarithm natural logarithm button, natural। तो ये सारे कैलकुलेटर आ गए। switch button इस पे हम दोबारा से अगेन करेंगे equals button, उसके बाद फिर हमारे सामने ये दूसरा कैलकुलेटर आ गया। delete button, percent zero, settings button, zero, और आपको यहाँ पे zero जो जीरो दिखाई दे रहा है, जो स्विच का बटन है ऊपर, ये जो फाइनेंस दिखा रहा है, जब भी जितने भी बार हम स्विच बटन पर क्लिक करेंगे
ये पहले नंबर से आखिरी स्विच तक जाएगा, यानी कि ऊपर के टैब को स्विच बटन करता है प्रेस, यानी कि यहाँ से हम स्विच बटन को प्रेस करेंगे ऊपर ये टैब चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक ये अच्छी बात है कि स्विच बटन को प्रेस करते रहो आपका टैब चेंज होता रहेगा। अब जैसे कि टैब फाइनेंस बटन है तो फाइनेंस पे मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने फाइनेंस का कैलकुलेटर आ गया। अब उसके अंदर हम किस प्रकार का चाहते हैं, GST, इन्वेस्टमेंट, लोन, अब फॉर एग्जांपल लोन मैंने सिलेक्ट किया, इंटरेस्ट परसेंटेज, प्रिंसिपल अमाउंट, तो पहले की हमारे पास एक हेडिंग आएगी लोन कैलकुलेटर, तो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा, इंटरेस्ट परसेंटेज अब कितना है, एनुअल रेट, 12 year 0 month इस पे आप जितना चाहें वो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसी कैलकुलेशन आपको करनी है। उसके बाद कैलकुलेट का बटन रहेगा जैसे तो इस पे हमें अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट को जब तक लिखेंगे नहीं ये नहीं जाएगा। तो यहाँ से बैक कर देते हैं क्योंकि हमें अभी कोई कैलकुलेटिंग नहीं करना, तो यहाँ से बैक करते हैं, कैलकुलेटर को अगेन ओपन करते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं कुछ प्लस कर भी लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया 11 plus 11, तो यहाँ 11 plus 11 तो सही से रीड भी कर रहा है 11 plus 11। उसके बाद आपको स्वाइप करना है, आपको इक्वल का बटन दिखाई देगा, डबल टैप करना है, उसके बाद 11 plus 11 आपको पहले अपना क्वेश्चन यानी कि आपने जो किया है वो दिखाई देगा, उसके बाद इक्वल 22 आपको दिखाई दे जाएगा। अगर आप इसमें एक एक डिजिट को डिलीट करना चाहते हैं या फिर एक एक संख्या को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट बटन को प्रेस करेंगे। अगर आप एक साथ सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर बटन यहां पर दिया है, इसे क्लियर कर देंगे। जीरो तो एडिट बॉक्स में, यहां एडिट बॉक्स तो नहीं बोल रहा है बट ये जीरो बोल रहा है, तो यहां पे जीरो हो जाएंगे। उसके बाद एक सेटिंग का बटन दिया है, इस पे हिस्ट्री देख सकते हैं अपने कैलकुलेटर की, अबाउट हिस्ट्री, तो बस इसके अंदर और कुछ है नहीं, तो यहां से हम इसे बैक कर देते हैं। सिस्टम लॉन्चर होम होम, तो यहां से मैंने बैक कर दिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो MI फ़ोन का बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटर आता है एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है और इसे यूज़ किया जा सकता है बिना किसी परेशानी के आसानी से। तो हम इसे एक बेहतर एक्सेसिबिलिटी वाला कैलकुलेटर मानते हैं। ऐसे ही एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको सभी मोबाइल के एक्सेसिबिलिटी सिस्टम ऐप रिव्यू मिल जाएंगे और डेली आपको ये सारे वीडियो 10:00 AM पर आपको मिलते रहेंगे, यानी आप किसी भी दिन मिस नहीं करेंगे कि आपको कोई ऐसा दिन हो जिस दिन वीडियो ना मिले। आपको डेली 10:00 AM पर वीडियोस मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।